इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे हैं, जहां अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी के जो धरना यहां पे सत्याग्रह कार्यक्रम चल रहा है। देखिए अभी 10 बजे हैं और यहां तमाम कांग्रेसी नेता यहां पहुंच रहे हैं। यहां पर आज जो है हाथों में राहुल गांधी का पोस्टर है और ये यहां पे सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये सत्याग्रह चलेगा और तमाम कांग्रेस के जो बिहार कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता है वो यहाँ मौजूद हैं। आनंद माधव जी, में किस तरीके का सत्याग्रह है आपका? सत्याग्रह ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, अन्याय के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है, संसद को मौन करने के खिलाफ है, मोदी और अदानी जी के रिश्ते को खुलासा करने के लिए जो हमारी मांग है वो हमारी मांग है, जिसके ऊपर हम लोग डटे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जनता को वो बताए कि क्या रिश्ता है दोनों के बीच में। बार बार राहुल जी इस मांग को उठा रहे हैं। आज डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में दिन भर यहाँ धरना होगा, सत्याग्रह होगा। हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपये आए कहाँ से उनके पास, किसका पैसा है, वो क्यों नहीं खुलासा कर रहे, क्यों मौन है। राहुल जी बोलते सदन में तो पूरी पोल खुल जाती, इसके लिए उनकी सदस्यता से उनको निष्कासित कर किया गया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा धर्म है, संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, सच के लिए हम लोग अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ देखिए किस तरीके से जो तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं यहाँ पे, इनके हाथों में ये पोस्टर है, ये बैनर है और ये यहाँ पे लगातार जो बैठ रहे हैं इनके सबके हाथों में राहुल गांधी के पोस्टर हैं, डरो मत और देन नाउ, और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक ये सत्याग्रह जो धरना कार्यक्रम है वो यहाँ गांधी मूर्ति के समीप पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के नीचे ये शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये शाम 5 बजे तक ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।